एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल किलकारी किड्स एसेंशियल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक सेकंड वीडियो ऑन स्कूल एडमिशन्स इन दिल्ली। पहली वीडियो थी हमारी डॉक्यूमेंट्स कौन से हमें रेडी रखने हैं बच्चे के लिए जब हमें उसको स्कूल में दाखिला कराना है। दूसरी वीडियो आज मैं लेके आई हूँ कि नॉर्थ जोन में कौन से प्राइवेट स्कूल्स हैं जो कि रिनाउंड हैं और पॉपुलर हैं। ये हमने सर्वे किया है प्रोफेशनल्स, स्कूल टीचर्स एंड जो करंट स्टूडेंट्स हैं उनसे, और इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या पॉइंट सिस्टम्स हैं पर्टिकुलर स्कूल के और क्या उनकी ट्यूशन फीस है, कितनी सीट्स हैं और स्कूल की वेबसाइट क्या है। और सेकंडली मैं आपके साथ शेयर करूंगी प्रॉपर डीप एनालिसिस हर स्कूल का, ताकि आपको पता लग सके कि आपने अपने बच्चे को एडमिशन कराना है कौन से स्कूल में, तो आप किस स्कूल को टारगेट करें जो आपके एरिया में पढ़ता है। तो सबसे पहली बात ये है कि दिल्ली में जो स्कूल एडमिशन्स होते हैं वो किस पिन कोड है, किस एरिया में आप कहाँ रहते हो और कौन सा स्कूल उस एरिया में है उससे गवर्न होता है। हर स्कूल की स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ एरिया होता है जिस हिसाब से वो उसको पॉइंट्स देते हैं। तो मींस आप जिस भी एरिया में रहते हैं उस एरिया में जो स्कूल्स हैं, अगर आप वो अंडर 4 किलोमीटर्स में पड़ता है स्कूल तो आपको डिस्टेंस के ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। पहला स्कूल जो है हमारी लिस्ट में वो है DPS रोहिणी। DPS रोहिणी जो है वो 1995 में बना था। इसमें टोटल सीट्स जो हैं वो 140 सीट्स हैं। ये कोएड स्कूल है और देख सकते हैं आप कि डिस्टेंस को इन्होंने 40% पॉइंट्स दिए हैं, सिबलिंग को 30%, और अगर कोई DPS एलुमनाई हो आप या आपकी वाइफ, तो जो भी मतलब बच्चे के पेरेंट्स हैं अगर वो DPS एलुमनाई हैं तो उसके 30% पॉइंट्स हैं। इनकी जो ट्यूशन फीस है पर मंथ वो है 5900 रुपीज़। एंड यू कैन चेक अदर डिटेल्स कि क्या उनके EWS को कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं, क्या कैटेगरीज़, क्या मैनेजमेंट कोटा है, कितनी उनकी सीट्स हैं जो फिक्स्ड हैं, ये सब आप उनकी वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं। अदरवाइज डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की जो वेबसाइट है आप उस पर जाके पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए अब हम सेकंड स्कूल की तरफ चलते हैं, दैट इज़ बाल भारती स्कूल पीतमपुरा। प्लीज़ आप एक पेन और पेपर ले लें और ये चीज़ नोट कर लें कि अगर आप चाहते हैं इस स्कूल में बच्चे को एडमिशन कराना तो आप ज़रूर ये चीज़ देखें कि इसमें जो टोटल सीट्स हैं वो 400 हैं। ये ऑलमोस्ट सेकंड और थर्ड हाईएस्ट सीट्स हैं जो नॉर्थ जोन के स्कूल्स में अवेलेबल हैं। ये भी एक कोएड स्कूल है और ये एक बहुत अच्छी संस्था है। अभी हम बाल भारती स्कूल रोहिणी के बारे में भी बात करेंगे। आप ये चीज़ ज़रूर नोटिस करें कि इसमें फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड के भी 20% मार्क्स हैं। बहुत कम स्कूल्स ऐसे हैं जो फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड के मार्क्स रखते हैं। डिस्टेंस के ये 50% पॉइंट्स दे रहे हैं, सिबलिंग के 20%, और एल्यूमिनाई अगर पेरेंट्स बाल भारती स्कूल के एल्यूमिनाई हैं तो 10%। इनकी जो ट्यूशन फीस है वो रेंज करेगी अकॉर्डिंग टू द क्लास इन विच यू वांट योर चाइल्ड टू गेट एडमिटेड। इट इज़ 4810-25685 रुपीज़ पर मंथ। प्लीज़ इसकी वेबसाइट पर जाके आप और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। bbpspp.balbharti.org पे आप विजिट करें एंड यू विल गेट मोर इन्फॉर्मेशन देयर। ये स्कूल 1984 में बना था, काफ़ी पुराना स्कूल है ये। चलिए अब तीसरे स्कूल की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ DAV पुष्पांजलि एनक्लेव। ये स्कूल DAV संस्था का स्कूल है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं DAV कितनी पुरानी संस्था है। ये स्कूल जो है 1989 में बना था। इसकी जो टोटल सीट्स हैं वो 240 हैं। दिस इज़ ऑल्सो अ कोर्ट स्कूल एंड इनके जो पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें डिस्टेंस के 50% पॉइंट्स हैं और गर्ल चाइल्ड के 15% हैं, सिबलिंग्स के 20% हैं और एलुमनाई के 15% पॉइंट्स हैं। तो प्लीज़ गाइस हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके बच्चे के कितने पॉइंट्स बन रहे हैं अगर आप इस स्कूल में एडमिशन बच्चे को कराना चाहते हैं तो। इसकी ट्यूशन फीस है 3315 से 4235 रुपीज़ पर मंथ।
आप डीएवी पुष्पांजलि की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, आपको और भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी। नेक्स्ट स्कूल है हमारा मॉन्टफोर्ट स्कूल, ये अशोक विहार में है। ये बहुत पुराना स्कूल है, 1970s का स्कूल है ये, और इसमें टोटल सीट्स जो हैं वो थोड़ी कम है, 152 सीट्स हैं। दिस इज़ ऑल्सो कोर्ट स्कूल, ये एक्चुअली क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ को प्रेफरेंस देते हैं 45% और डिस्टेंस के 35% पॉइंट्स हैं, सिबलिंग के 5%, एलुमिनाई के भी 5% और सिंगल पेरेंट के 5%, आर्म फोर्सेस के 5%। सो यू विल गेट लॉट ऑफ वेरिएशन इन द पॉइंट सिस्टम इन दिस स्कूल एंड दिस इज़ द स्कूल ऑफ ओल्डेस्ट लेगेसी इन दिस जोन। सो आप कमेंट करके बताएं कि आपके कितने पॉइंट्स बन रहे हैं इस स्कूल के, अगर आप चाहते हैं अपने बच्चे को इस स्कूल में एडमिशन कराना तो आप स्कूल की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं फॉर अदर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, www.montfortschooldelhi.in। चलिए नेक्स्ट स्कूल की तरफ बढ़ते हैं। APJ स्कूल जो है दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रिप्यूटेड एजुकेशन सोसाइटी लाइक DAVs, और ये फाउंड हुआ था 1990 में। टोटल सीट्स इसमें 200 हैं और ये भी कोएड स्कूल है। इनका जो पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें टीचर्स बोर्ड के 20% चार्जेस पॉइंट्स हैं, ट्रांसपोर्ट के 15% पॉइंट्स हैं, फर्स्ट बॉर्न और गर्ल चाइल्ड के 15 पॉइंट्स हैं 15%, सिबलिंग्स के 20% और फिजिकली चैलेंज्ड के 10%। इनकी ट्यूशन फीस होगी ₹4,000 पर मंथ। देखिए ये जो पॉइंट सिस्टम है ये DOE की वेबसाइट पे आप रेगुलरली चेक करते रहें, बिकॉज कुछ स्कूल्स जो हैं वो हर ईयर अपने पॉइंट सिस्टम चेंज करते हैं, तो अभी तक तो कोई लेटेस्ट नोटिफिकेशन नहीं है, बट प्लीज़ आप DOE की वेबसाइट्स पे जाके रेगुलरली चेक करें। ट्यूशन फीस हमने डिस्कस कर ली थी और आप APJ की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहाँ पे आप और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आपको पूरा राइट है कि आप अपने बच्चे के लिए राइट डिसीजन ले, आइडेंटिफाई करें बेस्ट स्कूल क्या है। आप किसी पर्टिकुलर स्कूल के बारे में और इन्फॉर्मेशन जानना चाह रहे हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके लिए उस टॉपिक पे वीडियो बना सकें। नेक्स्ट स्कूल है हमारे टॉप 10 की लिस्ट में कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल। दिस वाज फाउंडेड इन 1972। इसमें टोटल सीट्स पूरे नॉर्थ जोन के स्कूल में मैक्सिमम है, दैट इज़ 471। तो प्लीज़ इसमें आप चेक करें कि जनरल कैटेगरी को मैक्सिमम सीट्स यहाँ पे इस स्कूल में मिल सकती हैं। तो अगर आपके ये एरिया में अशोक विहार फेस 3 में ये स्कूल है, अगर आपके 4 किलोमीटर्स के अंडर ये स्कूल आता है तो प्लीज़ यहाँ पे आप अप्लाई करें। आपको हो सकता है कि अगर जनरल कैटेगरी में हो तो आपके मैक्सिमम चांसेस हैं। डिस्टेंस के इस पे है 50% पॉइंट्स, गर्ल चाइल्ड के 15%, सिबलिंग के 20% और एल्यूमिनाई के 15%। ट्यूशन फीस इस स्कूल की रहेगी 3355 से 4230 रुपीस पर मंथ। इसकी वेबसाइट पे जाके आप स्कूल की और इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, khms.ac.in। नेक्स्ट स्कूल है हमारी लिस्ट में हेरिटेज स्कूल। दिस वाज फाउंडेड इन 2003। दिस इज़ नॉट वेरी ओल्ड स्कूल एंड टोटल सीट्स इसमें है 144। दिस इज़ ऑल्सो अ कोर्ट स्कूल एंड इसका पॉइंट सिस्टम है डिस्टेंस के 80% पॉइंट्स। आप देख सकते हैं अभी तक हमने जितने स्कूल्स डिस्कस करे हैं उसमें जो डिस्टेंस के मैक्सिमम पॉइंट्स हैं वो हेरिटेज स्कूल रोहिणी देता है। तो अगर आपके घर के आसपास आपके एरिया में ये स्कूल पड़ता है तो आप अगर डिस्टेंस के मैक्सिमम पॉइंट्स चाहते हैं तो आप इस स्कूल में ज़रूर अप्लाई करें। इनकी ट्यूशन फीस थोड़ी हायर साइड पे है एज कम्पेयर टू अदर स्कूल्स विच वी हैव डिस्कस्ड, दैट इज़ 7690-29590 पर मंथ। इफ़ यू कैन अफोर्ड दिस देन प्लीज़ यू कैन डेफिनेटली ट्राई एंड प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी अदर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दीज स्कूल्स इन कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट स्कूल इज माता जैकौर पब्लिक स्कूल। इट वॉज फाउंडेड इन 1977। दिस इज़ ऑल्सो द ओल्डेस्ट लेगेसी स्कूल्स एंड ये कोएड स्कूल है। पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है सिबलिंग्स का 15%, डिस्टेंस का 55%, एल्यूमिनी का 15% एंड अदर क्राइटेरियाज आर 15%। सो इसकी ट्यूशन फीस है 4600 पर मंथ
एंड आप डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए इनकी वेबसाइट ज़रूर चेक करें, दैट इज़ www.mjkpsdelhi.com. सो गाइज, आवर नेक्स्ट स्कूल इज़ बाल भारती स्कूल रोहिणी. तो मैं आपको सिर्फ ये शेयर करना चाह रही थी, जो बाल भारती स्कूल पीतमपुरा है और रोहिणी है, उसमें स्कूल एडमिशन्स का पैनल सेम रहता है, फ़ी स्ट्रक्चर सेम रहता है, मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो सेम. सो बस जो एडमिशन्स हैं इसमें वो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग होते हैं, बाकी सारा प्रोसेस सेम रहता है. तो इसमें जो टोटल सीट्स हैं वो बाल भारती पीतमपुरा से कम है, टोटल सीट्स इसमें 230 हैं, और इसका जो पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्टेंस का 50% है, गर्ल चाइल्ड का 20% है, सिबलिंग का भी 20% है, और एल्यूमिनाई का 10% है. तो प्लीज़ आप ये चीज़ नोट करें कि बाल भारती स्कूल पीतमपुरा में सीट्स ज़्यादा हैं और रोहिणी में सीट्स कम हैं. आप इनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं और भी डिटेल्स, bbpsrohini.balbharti.org. सो गाइज, आवर नेक्स्ट स्कूल इज़ इन नॉर्थ जोन दिल्ली, रियान इंटरनेशनल रोहिणी. दिस वॉज फाउंडेड इन 1992 एंड द टोटल सीट्स दे हैव इज 200. इट इज़ ऑल्सो कोर्ट डे स्कूल एंड पॉइंट्स जो डिस्ट्रीब्यूशन है इनका वो कैथलिक रिलीजियस माइनॉरिटी को 50% है, डिस्टेंस के 40% पॉइंट्स हैं, सिबलिंग के 5% एंड एल्यूमिनाई के 5%. ट्यूशन फीस इनकी 6600 रुपीज़ पर मंथ रहेगी, और आप डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए इनकी वेबसाइट पे ज़रूर विजिट करें. सो गाइज, इफ़ यू लाइक दीज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्कूल, प्लीज़ गिव अस लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू मोर ऑफ योर पेरेंट्स नियर बाई यू, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़. थैंक यू सो मच.